बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अकाल सलाम से दो दुआएं साबित हैं और ये दुआ हमें कब पढ़नी चाहिए? कुछ दोस्त होते हैं कि जो रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, कुछ अब आप कहते हैं कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। तो सही ये है कि जब रोज़ा की इफ्तारी का वक़्त हो जाएगा तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद हमने अपना रोज़ा इफ्तार कर लेना है, और उसके बाद हमने जब खजूर खा लें, पानी पी लें या दूध का घूंट पी लें, तो उसके बाद फिर आपने जो इफ्तारी की दुआ है वो पढ़नी है। दो दुआएं हैं और दोनों ही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अकालसलाम से एक और दुआ भी साबित है, फरमाया कि जहाब जाबाऊ वब तल्ला तिलूख वसाबा तलाजरु इंशाअल्लाहु ताला। और जो दूसरी दुआ है वह है अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु वाबी का आमनतु वालैका तवक्कलतु वाला रिस्की का अफ़्तरतु।